मई 2023, एक बार फिर वही एयरपोर्ट, वही एयरपोर्ट का लाउंज, वही चेक इन, वही इमिग्रेशन, बट इस बार एक नई जगह। ये मेरे लिए एक नई टाइप की जर्नी थी। आपने अगर मेरी यूएई की वीडियोस देखी हो तो वो मैंने और मेरे दोस्त ने 3 दिन में की थी, और अगर आपने मेरी वियतनाम की वीडियोस देखी हो तो वो मेरी पहली इंटरनेशनल सोलो ट्रिप थी, जो कि अराउंड 1 वीक की थी। और अब मैं जा रहा हूँ थाईलैंड, जो कि मेरी पहली सोलो वर्केशन ट्रिप होने जा रही है, और ये अराउंड 9 दिन की होगी। कोई भी कंट्री घूमने के लिए हर कोई सोचता है कि वहाँ का वीज़ा, वहाँ की करेंसी और सिम कार्ड कैसे मिले। अगर ये सब चीज़ें सॉर्टेड हैं तो हमारी प्लानिंग और इजी हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको कहीं घुमाने नहीं ले जा रहा, बल्कि बताऊंगा कि ये सब चीज़ें आपको इजीली कैसे मिल सकती हैं। वेलकम टू थाईलैंड। हाय एवरीवन, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि कोई भी कंट्री आप विज़िट करो तो आपको काफ़ी फैक्टर्स ध्यान में रखना पड़ते हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वहाँ की करेंसी, वीज़ा और सिम कार्ड। ये तीनों के बारे में मैं आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला आता है थाईलैंड वीज़ा। सो थाईलैंड वीज़ा, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, ये आप मेनली, मैं यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहा हूँ। यहाँ बेसिकली आप 3 तरीक़ों से थाईलैंड वीज़ा ले सकते हैं। पहला आता है थाईलैंड ई वीज़ा, जो कि आप अराउंड 7500 में ले सकते हो। दूसरा आता है स्टैम्प वीज़ा, ये थोड़ा सस्ता पड़ेगा अराउंड 6000 में, तो आपको फिज़िकली आपके पासपोर्ट में वीज़ा का स्टैम्प लग जाएगा। और तीसरा आता है, जो कि मैंने भी ऑप्ट किया था, वीज़ा ऑन अराइवल। तो ये मेरे ख्याल से सबसे चीप भी है और ईजीली आपको मिल भी जाता है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम रहती नहीं है। प्राइस की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये पड़ा था अराउंड 2200 बात, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 5200 रुपीज़। तो मुझे तो ऐसा कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई थी। हाँ, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि दो वहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल में भी दो लाइन्स होती हैं, एक आपकी नॉर्मल लाइन होती है और एक एक्सप्रेस वे होती है। तो वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वीज़ा ऑन अराइवल के, वो आपको फोर्स कर सकते हैं कि आप एक्सप्रेस लाइन में जाएँ। तो ये बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप इंडिया से 2200 बात कैरी करके ही चले, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आपको एयरपोर्ट में एक्सचेंज हो सकता है, कोई एटीएम काउंटर नहीं मिलेगा करेंसी विड्रॉ करने के लिए। तो लेकिन वीज़ा ऑन अराइवल वहाँ का बहुत ही स्मूथ लगा मुझे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मिनट वेट करना पड़ा, क्योंकि मैं फॉर्म इंडिया से ही भर के चला गया था, तो वहाँ फॉर्म भरने का कोई इतना टाइम लगा नहीं मुझे। तो आप भी अगर जाओ तो वीज़ा ऑन अराइवल ज़रूर ट्राई करें। अब बात आती है वहाँ के सिम कार्ड की। सिम कार्ड मेरे ख्याल से मैं आपको एक साइट बता सकता हूँ, साइट का नाम है क्लूक। इसमें आप इजीली एयरपोर्ट से ही सिम कार्ड पिकअप कर सकते हैं। मैंने भी वही किया था। ये जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं अराउंड 395 का पड़ेगा। 8 दिन में आपको 5G तक का डेटा मिल सकता है, और ये आपको टोटल 15 GB मिलेगा। तो बहुत ही सही प्लान लगा था मुझे, तो मैंने भी इसी से बुक की थी अपनी सिम कार्ड और वहाँ एयरपोर्ट पे पिकअप कर ली थी। और नेक्स्ट चीज़ आती है करेंसी। तो करेंसी या तो आप अपने लोकल किसी एजेंट को पकड़ें, जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ तो मुंबई में काफ़ी एजेंट्स हैं, तो आपके शहर में भी आप अगर सर्च करें तो काफ़ी लोकल एजेंट्स मिल जाएंगे। बैंक से जनरली लोग कहते हैं अवॉइड करना, क्योंकि वहाँ पे एक्सचेंज रेट ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए लोकल एजेंट सही रहते हैं इन सब चीज़ों में। या तो आप बुक माई फॉरेक्स जो एक साइट है, उससे भी कर सकते हैं। वो भी मैंने पर्सनली ट्राई नहीं किया है, लेकिन मैंने लोग के एक्सपीरियंस सुने हैं कि वो भी काफ़ी अच्छा है, तो वो आपको घर में ही आपकी करेंसी देकर जाते हैं। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो मैं हमेशा हर ट्रिप जो मैंने की है, मैंने ये सब चीज़ें अभी तक की हैं।
तो अगर आपके दिमाग में कोई बेटर अल्टरनेटिव है इन सब चीज़ों का, प्लीज़ मुझे भी बताइए और बाकी लोगों को भी बताइए कमेंट सेक्शन के थ्रू। सो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आने वाली वीडियोस आपको पसंद आएगी। थैंक यू, बाय।